आइए बढ़ते हैं आगे। और अब बेहद हैरान करने वाली एक खबर, रेगिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान बड़ी साजिश कर रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक राजस्थान से सटे संवेदनशील इलाकों में पाकिस्तान चोरी छुपे पक्के बंकर बना रहा है जो जंग की तैयारी के लिए बनाए जाते हैं। ये तस्वीरें उन नापाक बंकरों की हैं जो पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान सीमा के पास बनाकर खड़े कर लिए। इन बंकरों का मकसद हम आपको बताएंगे, पहले जरा इन बंकरों को ध्यान से देखिए। बंकर पूरी तरह पक्के हैं जो ईंटों से बनाए गए हैं। इन बंकरों को डेजर्ट वॉरफेयर तकनीक से बनाया गया है। ऐसे बंकर आमतौर पर सेनाएं युद्ध के हालात में बनाती हैं। ये बंकर राजस्थान से सटी सरहद पर पाकिस्तानी सीमा के बेहद नजदीक बनाए गए हैं। पिछले एक महीने में पाकिस्तान ने राजस्थान सीमा पर ऐसे तकरीबन 180 बंकर बनाए हैं। ये बंकर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर के करीब 1.5 किलोमीटर इलाके में बनाए गए हैं। पाकिस्तान ऐसे ही 100 और बंकर बनाने की तैयारी कर रहा है। आप सोचेंगे कि पाकिस्तान अपनी सीमा में जो भी करता है उससे भारत को क्या मतलब, लेकिन पाकिस्तानी सेना के इन बंकरों ने भारतीय सेना को परेशान कर दिया है, क्योंकि ये वही मोर्चे हैं जहां 1971 की जंग में पाकिस्तान को करारी हार मिली थी और भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए पाकिस्तान में घुस गई थी। पाकिस्तान सीमा में बने ये पक्के और मजबूत बंकर भारत पाकिस्तान के बीच हुए उस समझौते को तोड़ रहे हैं जिसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान सीमा से 500 मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। लेकिन धोखेबाजी तो पाकिस्तान के खून में मिल चुकी है। जानकार मानते हैं कि युद्ध के हालात में भारतीय सेना को अपने इलाके में घुसने से रोकने के लिए पाकिस्तान सीमा पर निर्माण कार्य चला रहा है ताकि भारतीय सेना को युद्ध के हालात में पाकिस्तान के अंदर घुसने से रोका जा सके। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इंटरनेशनल लाइन के पास पाकिस्तान की तरफ से हैवी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। भारत ने इस बात पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान से विरोध जताया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से पूरे भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान से लगते हुए 180 हैवी कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। पाकिस्तान की सोच सामने जो भी हो, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान ने भारत को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। भारतीय सीमा के नजदीक पाकिस्तान सिर्फ पक्के बंकर ही नहीं बना रहा, बल्कि हेलीपैड, पक्की सड़कें, वाटर टैंक जैसे निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर कर रहा है। जब से चाइना के साथ में उनका मेल मिलाप बढ़ा है, तब से उनकी सीमा की जो चौकियां हैं वो काफ़ी मजबूत बनी है। जगह जगह ओपी टावर्स भी उन्होंने बनाए हैं, चाहे वो गंगानगर का सेक्टर लो, चाहे बीकानेर लो, चाहे जैसलमेर बाड़मेर। बीओपी के साथ साथ ओपी टावर काफी मजबूती उन्होंने बनाई है, संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। गंभीर बात तो ये भी है कि भारतीय सीमा के बेहद पास पाकिस्तान के ये निर्माण कार्य चीन की मदद से चल रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जब सीमा पार से आते सैटेलाइट फोन सिग्नल्स को सुना तो पता चला कि सीमा पर पाकिस्तान जो भी निर्माण कार्य कर रहा है वो सब चीनी कंपनियों द्वारा किए जा रहे हैं। इन चीनी कंपनियों के साथ साथ सुरक्षा के लिए चीन के सैनिक भी पाकिस्तान में भारतीय सीमा के बेहद नजदीक मौजूद हैं। भारत के लिए परेशानी का सबब यह है कि इंटरनेशनल सीमा पर जहां पाकिस्तान हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वहां पर चीनी कंपनियां और चीनी सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि उनकी मदद से ये कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर भारत को आपत्ति है कि भारत से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरह से चीन का सहयोग पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। जानकार मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इतने नजदीक पाकिस्तानी सीमा में चल रहे सामरिक निर्माण कार्य भारत की सुरक्षा के लिहाज से खतरे की घंटी है, जिसे देखते हुए बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग करके इन निर्माण कार्यों पर कड़ी आपत्ति भी जताई है।
फिलहाल पाकिस्तान के इन बंकरों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर है, क्योंकि भारत की आपत्ति पर पाकिस्तान के कान पर जू तक नहीं रेंग रहे। विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।